है 8 और आज है छोटी होली। बहुत सारा काम मैंने घर का निपटा दिया है और रात को ना हमने मतलब खूब इंजॉय किया। कल रात को एक वेब सीरीज देखी, लेकिन हाँ अब त्योहार है तो हम इंजॉय करेंगे। कोई बहुत बड़ा काम मैं नहीं फैलाऊंगी, बच्चों के संग ढेर सारी बातें करूंगी, लेकिन सबसे पहले हमें करनी होती है पूजा, जो कि छोटी होली वाले दिन होती है। तो सबसे पहले जा रही हूँ, सबसे पहले क्या काम करने के बाद, अब नहाने के बाद जो मैं काम कर रही हूँ वो है खाना बनाने का, क्योंकि आज देवताओं की पूजा होती है। और सबसे पहले मैं बना रही हूँ खीर, और मैंने दूध बॉयल होने चढ़ा दिया है, चावल सोक कर दिए हैं। जैसे ही देखो ये दूध बॉयल होगा ना, बस ये डाल के मतलब खीर बन जाएगी, और जितनी देर में खीर बनेगी उतनी देर में ना मैं जो सब्जियां हैं, खाना है, वो सब प्रिपेयर कर लूंगी। और आज खाने में कोई भी प्याज हुआ, लहसुन हुआ, वो नहीं डलता है, जैसा कि मैंने बताया देवताओं की पूजा होती है। और आज खाना बनेगा देसी घी में। होली होता है 2 दिन का त्यौहार, दिवाली की तरह 5 दिन का नहीं होता है। और दिवाली के दिन तो बहुत सारा काम रहता है, लेकिन होली के दिन जो पूजा होती है और जो उमंग और उत्साह होता है ना, वो 2 दिन में बंट जाता है। तो छोटी होली वाले दिन जो पूजा होती है उसकी थाली मैं बना रही हूँ। तो ये एक फिक्स्ड मेन्यू होता है जो पता नहीं कितने सालों से मैं बनाती आ रही हूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि ये खाना बनाने से पहले पूरी किचन क्लीन करनी पड़ती है, कोई भी झूठा बर्तन नहीं होता है, और जब तक पूजा पाठ नहीं हो जाता तब तक सब लोगों का व्रत ही रहता है। मैं चाय भी नहीं पीती हूँ, सबसे पहले नहाकर बनाती हूँ खाना, लेकिन हाँ उससे पहले जो घर के बेसिक काम होते हैं साफ सफाई के, वो मैं कर लेती हूँ। तो जो लोग मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते आ रहे हैं होली के, वो ये सारी चीजें बार बार ही देख रहे हैं, क्योंकि कोई भी चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो कभी भी नहीं बदलती हैं, और केवल वीडियोस बनाने के लिए खासकर कुछ चीजें नहीं बदली जाती हैं। तो मैं जैसी हूँ और जैसे त्यौहार मनाती हूँ वो सारी ही चीजें आपके साथ बिल्कुल एज इट इज शेयर करती हूँ। तो जो ये होली की थाली बनती है, इसमें जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी बिना प्याज लहसुन के बनती हैं, और बहुत ही ज्यादा साफ सफाई से मैं बनाती हूं। एहसास कुछ लम्हे, कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद, कुछ एहसास कुछ। सब्जी नंबर 2 रेडी, मटर पनीर की। अभी पनीर नहीं डाला है, पनीर को थोड़ा सा ना जब मैं पूड़ी बनाऊंगी उससे पहले थोड़ा सा अलग निकाल के फ्राई करके डालूंगी। और अब बारी आती है थोड़ा सा दही बड़ा लगाने की, रायता बनाने की। तो दोनों चीज बना रही हूँ, दही बड़ा भी है और रायता भी है। शानो, शानो आओ नीचे, जरा सामान मंगाना है कुछ। सामान ला के दे जल्दी। और कुछ? और जैसे जैसे दही जो है यूज होती रहती है, वैसे वैसे मैं दही मेकर में ना लगातार इसको जमाती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ दिन के टाइम जमाऊं। तो ये करीब 4 से 5 घंटे में बहुत आराम से जम जाती है, तो एकदम से निकाल के फ्रिज में रख दो, रात को भूल जाओ तो खट्टी हो जाती है। ये लो। क्या है? रख दे, ले लो। बस अब दूध लिया, डाल के फटाफट। कुछ बादल, कुछ बारिशें, कुछ चाशनी से जज्बात, कुछ तीखे पुराने स्वाद, कहीं करवट। आज मम्मी स्टैनो हिसाब करने आएगा, स्टैनो हिसाब करने आएगा। कौन? स्टैनो। यहाँ पे कैसी तो होगी, 10 कैची लेकर आता हूँ मैं घर पे, लेकिन जब मेरे को जरूरत पड़ेगी। कई बारिशें, कुछ इंतजारों का खुमार, कभी यूं ही लगे बेकार। कुछ खामोश सांसें। होली दिवाली पे हमारे यहाँ ना जो देवता होते हैं या हमारे पितर होते हैं उनकी पूजा होती है, और उनके निकलते हैं कपड़े 5, तो वही हम पूजा करने जा रहे हैं और वही सब हम तैयारी कर रहे हैं। खाना तैयार हो गया है, बस अब मैं जाके थाली लगाऊंगी और फिर हम करेंगे पूजा। और छोटी होली वाले दिन जो ये पूजा होती है, ये मुझे जैसे ही मेरे मदर इन लॉ ने जिस तरह से करनी बताई थी, मैं आज तक वैसे ही कर रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को देखकर हम नहीं करते हैं, जैसे हमारी फैमिली और परिवार में चला आता है हम उन चीज़ों को वैसे ही करते हैं। और जब ये चीज़ें होती हैं तो इसमें देवताओं के कपड़े निकलना या जो भी विधि है वो एज इट इज़ है, उसमें मैंने कोई भी चेंज नहीं किए हैं। और अब तक मुझे जितनी भी चीज़ें बताई गई थी उनको मैं ज़रूर सबसे पहले मतलब करने की कोशिश करती हूँ,
उसमें कोई भी बदलाव नहीं करती हूँ। तो जो ये थाली तैयार हो गई, तो इसमें कचौड़ी मैं नहीं बना रही हूँ आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें बच्चों के खाने के लिए रखी हुई हैं। ठाकुर जी का भोग बना रही हूँ, थाली लगा दे रही हूँ, उनको भोग लगा देना है। चाहे मैं कोई सी भी पूजा करूं तो सबसे पहला भोग गणेश जी को और मेरे ठाकुर जी को लगता है, और उसके बाद ही घर की बाकी सारी पूजा पाठ होती है। तो ये मैंने अपने ठाकुर जी की एक थाली लगा ली है। आप लोग पूछते हो इसका क्या करते हैं, इन सारी थाली के भोगों को हम अपने मेन प्रसाद में मिला लेते हैं। कुछ ठाकुर जी को भोग लगा, और ये जो पूजा होती है ये पूरी विधि विधान से मैं करती हूँ। और इसके बाद हमारी, मतलब ये हमारी पहली पूजा होती है जो छोटी होली वाले दिन होती है, और उसके बाद छोटी होली की आगे की पूजा भी होती है, लेकिन इसको हम घर पे करने के बाद ना अपने गांव भी जाते हैं। और अब हम जा रहे हैं गांव, वहां पूजा करने अपने देवताओं की, उनकी समाधि पर। और यहां पे घर पे रहेगा शानू, और अब हम निकलते हैं। सारा सामान इकट्ठा कर लिया, बहुत छोटा छोटा, बहुत ढेर सारा सामान इकट्ठा करना पड़ता है, और इसके बाद फिर मैं जाऊंगी आगे और पूजा करने। कुछ देखे पुराने करण, खोलना बेटा। एक पूजा हो गई घर पे, और अब है ये दूसरी पूजा जिसे करने के लिए हम गांव जाते हैं। और ये होली और दिवाली दोनों ही बार, दोनों ही त्योहारों पे हम जाते हैं। रास्ता देखिए किस तरह का है, गलियां मिलती हैं और बहुत ही पतले पतले रास्ते मिलते हैं, और हर बार मैं कोशिश करती हूँ कि ज़रूर जाऊँ। वैसे वहाँ पर मैंने देखा है बहुत कम आती हैं परिवार की जो फीमेल्स होती हैं, महिलाएँ होती हैं, लेडीज़ होती हैं, लेकिन मैं ज़रूर जाना वहाँ पर पसंद करती हूँ। अपने खेत हैं उनमें जो लहलहाती फसल है उसे देख के बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी हमें अपनी रूट्स से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और यहाँ पे हमारे जो देवी दई देवता हैं उन सबकी समाधि है, जिस पे कि हम सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, और जो भी त्यौहार होता है उसका भोग लगाते हैं। तो अब की बार शानू नहीं आया है, घर पे चीकू है, उसके पास है वो, और वैसे भी घर में कुछ और भी काम था जिसकी वजह से वो घर पे ही है, वरना हम सब लोग ही आते हैं। और यहाँ पर आने का मेरा मकसद ये होता है कि मैं अपने आप को बिल्कुल ना इक्वल मानती हूँ जो घर में बाकी के लोग होते हैं, तो मेरा भी बराबर का हक है कि मैं यहाँ पर आकर पूजा करूं। और वैसे भी चार कंधों पे यहाँ आने से पहले अपने पाँव पे चल के आके अपना एक भाव प्रकट करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको मानती हूँ कि मुझे करना चाहिए। मैं अपनी सोच से चलती हूँ, और ये सोच बहुत बड़े टाइम के बाद मेरी डेवलप हुई है, या सबकी डेवलप होती है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमेशा यहाँ पर आएं। और ये समाधि जो आप देख रहे हो ये मेरे फादर इन लॉ की है। अब से पहले जब मैं आपको दिखाती थी तो यहाँ पे मिट्टी रहा करती थी, लेकिन इस साल ये बन गई है, तो बड़ी खुशी हुई देख के। और ये एक ऐसे इंसान थे मेरे फादर इन लॉ जो घर में बहुत कुछ चीज़ों के बावजूद भी हमेशा मेरा सपोर्ट करते थे, और उनको ऐसा लगता था कि घर में सबसे लायक मैं ही हूँ। तो उनकी इस चीज़ को मैं नहीं भूलती। वो मेरे पीछे बहुत सारे लोगों को, सबको, मतलब परिवार में सबको डांट दिया करते थे। तो अपनी कृतज्ञता, अपना भाव, और मतलब उनका जो सम्मान है वो मेरे लिए बहुत ऊपर है, और उसको ही व्यक्त करने के लिए मैं यहाँ पे आना पसंद करती हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए जो कुछ भी किया वो सब को मैं अपने सिर्फ भाव से पूरा नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरी जो है उनको मैं अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि हमेशा देती हूँ। और यहीं पास में ना खेत में कुछ फूल हो रहे थे, तो करण गया, उसे ताजे फूल चढ़ाने का मन था अपने बाबा की समाधि पर, तो वो वहां से ताजे फूल तोड़कर लाया, देखिए। और उसे चाहिए थे वाइट कलर के फूल, अमर ने बोला था, तो वो वहां से फूल लेकर आया और उसने वो सारे फूल यहाँ पे चढ़ाए। और जो अपना गांव होता है ये अपनी रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं, और इनको मैं बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहती। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, और मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मैं अपने गांव या अपनी जड़ों के बिल्कुल पास रहती हूँ। अगर इन्हें छोड़ दिया जाए ना, तो एक बिना, जैसे एक पौधा है ना, उसे अपनी जड़ों से अलग कर दिया जाए और वो कुमला जाता है ना, ऐसे ही हम भी कुमला जाएंगे। और ये है बैठक जो गाँव में है, यानी ये समझ लीजिए गाँव में हमारा घर है, और इसमें लगा हुआ है ये जो अमर है
उनके बाबा का नाम। इसकी हालत थोड़ी सी मतलब देखे किस तरह की हो गई है, और कभी यहाँ पर जैसा कि अमर बताते हैं बहुत ही रौनक रहा करती थी। ये सारी चीज़ें मन तो करता है कभी कभी कि इसको सही करा दिया जाए, लेकिन फिर उसका कोई मतलब ही नहीं निकलता। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कौन रहेगा, ये सब घर हैं जो कि हमारे हुआ करते थे, मतलब हमारा इसमें एक घर है, मैं आपको क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों को देखकर मैं वापस आई, और जब भी गांव जाती हूँ लौट कर आती हूँ तो मन में ना कुछ बहुत अजीब तरीके की चीज़ें होती हैं, कभी आपसे ना शेयर करूँगी। आज तो होली है। और ये थी छोटी होली वाले दिन की नंबर 3 पे आई जो पूजा थी, और ये थी होलिका माँ की पूजा। तो जो सोसाइटी में आसपास जहाँ कहीं भी मुझे होलिका दिखती हैं वहीं पे मैं पूजा करे आती हूँ। और ये जैसे शुरुआत में ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे नहीं बताया था, और हम घर पर भी होलिका नहीं रखते हैं, लेकिन इसको मैं शुरू करूँगी किसी पंडित से पूछ कर। और यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से पूजा मुझे बताई गई है, अब जो मैंने शुरू करी है वो करीब 3 साल से करी है, मैं बिल्कुल उसी तरह से करती हूँ 3 या 4 साल। और इस पूजा को करने के बाद ही जो रात में होलिका जलती है तो होलिका दिन खत्म होता है। लेकिन रात में होलिका का जलने का टाइम रात को 10 बजे के बाद था, और मैं उसमें नहीं जा पाई, शानू उसमें गया, और इस तरह से छोटी होली वाला दिन जो होता है वो स्पेंड किया। और चाहे छोटी होली हो, बड़ी होली हो, या कोई नॉर्मल दिन, जो रेगुलर काम होते हैं वो तो चलते ही रहते हैं। मॉर्निंग उठ के घर की क्लीनिंग करना, लॉन्ड्री लगाना, वो सारा काम मैंने किया, और इसके साथ साथ बच्चे लगातार कुछ ना कुछ खा रहे हैं जो मैंने बनाया था, तो उन सबको छोटे बर्तनों में खाली करना था, और शानू जाएगा तो उसके साथ कौन सा सामान जाएगा वो सब मैंने आज ही सेट करके रख दिया। और इसके साथ ही मैंने थोड़े से दाल चावल बना के रखे, और उसका रीज़न ये था कि सोसाइटी में अपना एक प्रोग्राम था जहाँ पे खाने पीने का सब इंतज़ाम था, लेकिन फिर भी बच्चे घर आके कुछ मांगेंगे और मैं कलर वगैरह लगाकर आऊंगी, तो मेरे से तब उस टाइम किचन में नहीं हुआ मतलब काम किया जाएगा। तो इसीलिए मैंने दही गुंजिया लगा के रख दी, और बच्चों के लिए और भी जो छोटी मोटी चीजें हैं वो बना के फ्रिज में रख दी, दाल चावल बना के रख दिए, क्योंकि अब मैं खेलूंगी होली, क्योंकि आज ना मेन होली का दिन है। और अब जो मैंने सिलेक्ट किया था अपना कुर्ता जो मुझे पहनना था वो मैंने वाइट कलर का किया था, लेकिन फिलहाल मुझे ये अच्छा लगा कलरफुल, ये मैंने पहन लिया, अपने ठाकुर जी के साथ होली खेली और ये सारे अपने रंग निकाले। निकल गए हमारे सारे रंग गुब्बारे, और ये हैं रंग वाले बॉम, ये जो हम बाहर छुटाएंगे इनको, और सारे कलर, और मैंने ले लिया है मेरा कलर, कहाँ है करण मेरा, मैंने ले लिया है अपना कलर ये वाला। और उसके बाद शुरू हुई होली, अमर चले गए थे प्रोग्राम में, तो करण शानू के संग थोड़ी सी होली घर पे खेल के हम आ गए अपने मेन प्रोग्राम पे, सबके साथ खूब मस्ती करी, मजे किए, और मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़ा आया, खूब तो डांस किया। और शायद यही होली होती है, असली होली होती है कि सब हम मिलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, और जो हमारी एक रूटीन लाइफ चलती है उससे हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। अगर इन सारी चीज़ों को हम ना करें ना, तो जो हमारी डेली की लाइफ है वो शायद इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगी ना हमारे लिए उन्हीं दिनों को रोज देखते देखते, कि शायद हमें लगेगा कि जीवन में कोई उमंग ही नहीं है। और हम लोग थोड़ा बहुत नाच गा लिए, और इस सेलिब्रेशन में ना बहुत मज़ा आया, और बहुत सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हुई जो ज़िंदगी की अपनी, जिसे कहते हैं ना, अपनी पूरी उमंगों से भरपूर थे। और वैसे भी मुझे ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो खूब मस्त रहते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और आपको बिल्कुल एक नई ताजगी का एहसास कराते हैं। तो देखो क्या क्या डांस हुए। इस तरह से सुबह के गए हुए हम लोगों ने 12-1 बजे के बाद तक बहुत होली खेली, खूब मज़ा आया, और बिल्कुल ही दिन बदल गया। और हाँ, अमर को बहुत ज़्यादा डांस करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमने डांस किया। तो दोस्तों, ये था एक होली का वीडियो, रिकॉर्ड तो मैंने बहुत ढेर सारा किया है, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो ज़रूर बताना, और पसंद आए तो लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलना, और आप सब लोगों को मेरी तरफ से होली की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएँ। शुभ होली दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।